नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में पतंग देखना, सपने में पतंग उड़ाना, सपने में पतंग से जुड़ी हुई विभिन्न अवस्थाएं देखना कैसा होता है और ये शुभ होता है या अशुभ होता है। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, इसीलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें ताकि प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में स्थितियां सदैव मंगलमय ही बनी रहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पतंग एक मनोरंजन का साधन होता है। पुराने समय में मोबाइल इत्यादि वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब पतंग का काफ़ी ज़्यादा क्रेज हुआ करता था और खूब लोग पतंग उड़ाया करते थे। पतंग का क्रेज आज भी है, लेकिन पहले की जितनी मात्रा में नहीं रहा है। अब बात कर लेते हैं सपने में पतंग उड़ाना कैसा होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पतंग को आसमान में उड़ाया जाता है। अगर आप सपने में देखते हैं कि आप पतंग को आसमान में फ्लाई करवा रहे हैं संपूर्ण अपनी सफलता अर्जित करके, आपने अपना जो कुछ फोकस लगाया और उसमें पतंग को आराम से आसमान में भेज दिया है और पतंग उड़ाते समय आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तो ये सपना आपको बताता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं आने वाले समय में। अगर पूर्ण रूप से मेहनत के साथ और फोकस के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो सफलता आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। वहीं अगर आप सपने देखते हैं कि आपकी पतंग फट जाती है, तो ये सपना आपके आने वाले भविष्य के कुछ त्रुटियों, कुछ कमियों को प्रदर्शित करता है। अगर आपकी पतंग कट जाती है और काटने वाला व्यक्ति आपका कोई अपना होता है तो ये अशुभ होता है। ये सपना आपको बताता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए, भरोसा किसी पर भी ना करें, चाहे वह आपका अपना हो या पराया हो, एक बार उसकी परीक्षा अवश्य लें। परीक्षा में अगर व्यक्ति सफल रहता है तब भी उस पर विश्वास करें, अन्यथा आपको आने वाले भविष्य में धोखे खाने का चांस प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर आप सपने में देखते हैं कि आप अपने कंपटीटर को पतंग काट कर हरा देते हैं, तो ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का भी संकेत होता है। जरूरी नहीं होता है कि वर्तमान स्थिति में आपका कोई ऐसा शत्रु हो जो आपकी जान लेना चाहता हो। शत्रु किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, कुछ नहीं, अगर आप एक 16-17 साल के बच्चे हैं तब भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों के स्वरूप में होते हैं। यही बच्चे बड़े होकर बड़े शत्रु बन सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं, अगर पतंग इत्यादि खरीदते हुए अपने आप को देखते हैं, तो यह सपना आपको बताता है कि आने वाले समय में माता लक्ष्मी की आपका पर कृपा होगी और आप एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर को जनरेट कर पाएंगे।